हेलो दोस्तों, यानी टाइम दीजिए फैमिली में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करता हूँ आप लोग अच्छे होंगे। दोस्तों आज हम लोग अर्थशास्त्र के बारे में पढ़ेंगे। अर्थशास्त्र सामाजिक विज्ञान की एक शाखा है। अर्थशास्त्र संस्कृत शब्द के अर्थ और शास्त्र के से मिल के बना है, जिसमें अर्थ का अर्थ होता है धन और शास्त्र का अध्ययन। यानी अर्थशास्त्र जो है धन का ही अध्ययन है। धन का अध्ययन को हम लोग अर्थशास्त्र कहते हैं। अर्थशास्त्र हम दो तरीके से पढ़ते हैं। अर्थशास्त्र को सैद्धांतिक अध्ययन करते हैं और व्यवहारिक अध्ययन करते हैं। जब हम अर्थशास्त्र का सैद्धांतिक अध्ययन करते हैं तो उसको हम अर्थशास्त्र कहते हैं, इकोनॉमिक्स कहते हैं। और जब अर्थशास्त्र को व्यवहारिक अध्ययन करते हैं तो उसको हम कहते हैं अर्थव्यवस्था, जिसको अंग्रेजी में हम लोग इकोनॉमी कहते हैं। अर्थशास्त्र सामाजिक विज्ञान की वह शाखा है जिसके अंतर्गत हम वस्तु और सेवाओं के उत्पादन, वितरण और विनिमय और उसके उपभोग का जो अध्ययन करते हैं उसी को क्या कहते हैं? अर्थव्यवस्था कहते हैं। अर्थशास्त्र से कहते हैं। अब हम लोग अर्थव्यवस्था को समझते हैं। अर्थव्यवस्था न्यूनतम संसाधन में अधिकतम उत्पादन को अर्थव्यवस्था कहते हैं। अर्थशास्त्र के जनक एडम स्मिथ को कहा जाता है। एडम स्मिथ का एक प्रसिद्ध पुस्तक था वेल्थ ऑफ नेशन, जिसका प्रकाशन 1776 ईस्वी में हुआ था। उसी तरह भारतीय अर्थशास्त्र के जनक विश्वेश्वरय्या आदि को कहते हैं। यहाँ पे बांटा गया है अर्थव्यवस्था के तीन आधार। सबसे पहला आधार जो है आर्थिक क्रिया के आधार पे, यानी इकोनॉमिक एक्टिविटी के बेसिस ऑफ इकोनॉमिक एक्टिविटी के आधार पर बांटा गया। दूसरा है कार्य के आधार पर, यानी वर्क बेसिस ऑफ वर्क, और स्वामित्व के आधार पे, यानी कि ऑनरशिप के आधार पे बांटा गया। अर्थव्यवस्था के पहला आधार बेसिस ऑफ इकोनॉमिक एक्टिविटी, इसमें पहले तीन क्षेत्र हैं। इसमें प्राथमिक क्षेत्र, द्वितीय क्षेत्र और तृतीय क्षेत्र। उसी प्रकार कार्य के आधार पर भी अर्थव्यवस्था को दो भागों में बांटा गया है। सबसे पहले संगठित क्षेत्र, यानी कि ऑर्गेनाइज्ड सेक्टर। दूसरा है और संगठित क्षेत्र, जिसमें कि हम अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर बोलते हैं। उसी तरह ऑनरशिप के भी आधार पर अर्थव्यवस्था को तीन चार प्रकार में बांटा गया है। ऑनरशिप के आधार सार्वजनिक क्षेत्र, निजी क्षेत्र, संयुक्त क्षेत्र और सरकारी क्षेत्र। तो हम अभी अर्थव्यवस्था के जो आर्थिक आधार पे, आर्थिक क्रिया के जो आधार पे इसका बांटा गया है, प्राथमिक क्षेत्र, द्वितीय क्षेत्र, तृतीय क्षेत्र, उसको समझने का प्रयास करते हैं। दोस्तों अर्थव्यवस्था का जो तीन आधार बताया गया है, उस तीन आधार हम सबसे पहले आर्थिक क्रिया के आधार पर जो बांटा गया है, प्राथमिक क्षेत्र, द्वितीय क्षेत्र और तृतीय क्षेत्र। प्राथमिक क्षेत्र में क्या होता है, जब आय का स्रोत सीधे प्राकृतिक से जुड़ा हुआ है, हम जब आय प्राकृतिक से प्राप्त करते हैं, जिसमें कि जैसे कृषि, पशुपालन, खनन, मत्स्य, ये सब हमको कृषि जमीन में करते हैं, पशुपालन प्राकृतिक रूप से है, खनन मत्स्य ये सब इसमें आता है, प्राथमिक क्षेत्र में आता है। उसी तरह द्वितीय क्षेत्र में इसमें कारखाना को शामिल किया गया है, जैसे आटा चक्की, कुटीर उद्योग, गन्ना मशीन, ये सब फैक्ट्रियां, ये सब किसमें आता है? द्वितीय क्षेत्र में आता है। उसी प्रकार तृतीय क्षेत्र में जो आता है दोस्तों, इसमें सेवा को शामिल किया गया, जैसे कोचिंग, ट्रांसपोर्ट, हॉस्पिटल, बैंक, कम्युनिकेशन, ये सब जो आता है, ये सब तृतीय क्षेत्र में आता है। ये सब जो है बेसिस ऑफ इकोनॉमिक एक्टिविटी के आधार पर। अब हम आगे बढ़ते हैं बेसिस ऑफ संगठन के आधार पर। दोस्तों अभी हम लोगों ने पढ़ा था एक्टिविटी के आधार पे अर्थव्यवस्था का क्षेत्र। अब हम लोग कार्य के आधार पे, हम लोग बेसिस ऑफ वर्क, काम के आधार पे इसको दो क्षेत्र में बांटा गया है। एक संगठित क्षेत्र में बांटा गया है ऑर्गेनाइज्ड सेक्टर, दूसरा है असंगठित क्षेत्र अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर।
दोस्तों संगठित क्षेत्र में क्या होता है, इसमें नौकरी में इस प्रकार की नौकरी में जो संगठित क्षेत्र में होता है इसमें शर्त समय वेतन और तीनों निश्चित होता है संगठित क्षेत्र में। इसका एग्जाम्पल देने चाहिए जैसे कि गवर्नमेंट जॉब, रेलवे, सेना आदि सब में क्या होता है बड़े बड़े कंपनी में आपका समय, आपका वेतन, आपका छुट्टी सब चीज आपका निश्चित होता है। लेकिन असंगठित क्षेत्र में क्या होता है, आपका वेतन, आपका समय, आपका छुट्टी तीनों में से कोई चीज भी निश्चित नहीं रहता है, तीनों आपका अनिश्चित रहता है। जैसे आप कोई प्राइवेट कंपनी में काम कर रहे हैं, कंपनी कभी भी आपको हटा सकती है। जैसे कृषि के क्षेत्र में आप काम कर रहे हैं, किसान आपको डेली काम दे नहीं सकता है, कभी काम हो सकता है कभी नहीं हो सकता है, किसान में आपको हटा सकता है। कोई दुकान में आप रहते हैं तो वहाँ आपका निश्चित नहीं है, कभी भी आपको हटाया जा सकता है। कोई मॉल में रहते हैं आप, ये सब क्षेत्र क्या है दोस्तों, ये है असंगठित क्षेत्र। और संगठित क्षेत्र में आपका वेतन, आपका समय सब निश्चित होता है। उसी प्रकार के अब हम लोग ऑनरशिप, ऑन द बेसिस ऑफ ऑनरशिप के आधार पे अर्थव्यवस्था को पढ़ेंगे। इसके बाद दोस्तों अब हम लोगों ने अर्थव्यवस्था के क्षेत्र को पढ़ा तीन आधार पे, जिसमें तीसरा आधार हम लोगों ने पढ़ा था स्वामित्व के आधार पे। स्वामित्व के आधार पे यानी ऑन द बेसिस ऑफ ऑनरशिप यानी मालिक कौन होता है कंपनी का अर्थव्यवस्था। सबसे पहले हम बात करते हैं निजी क्षेत्र का। निजी क्षेत्र क्या होता है, प्राइवेट सेक्टर में इसमें सभी क्षेत्र पर निजी व्यक्ति का हाथ होता है, इसमें सरकार का कोई भी योगदान नहीं होता है। इस कंपनी का इस प्रकार के मुख्य उद्देश्य केवल लाभ कमाना होता है, जैसे रिलायंस हो गया बड़ी कंपनी, टाटा। और हमारे देश में रिलायंस कंपनी सबसे बड़ी कंपनी है पूंजी के आधार पे, और टाटा कंपनी टैक्स क्षमता के आधार पे हमारे देश की सबसे बड़ी कंपनी है। उसी प्रकार दूसरा है सार्वजनिक क्षेत्र यानी पब्लिक सेक्टर। पब्लिक सेक्टर जिसको हम लोग सरकारी रूप कहते हैं, इसमें पूर्ण रूप से सरकार का अधिकार होता है, इस कंपनी का मालिक सरकार होता है। जैसे रेलवे हो गया, हमारी भारत में कंपनियां हो गई पेट्रोलियम कंपनियां। उसी प्रकार एक होता है संयुक्त क्षेत्र, इसको ज्वाइंट सेक्टर बोलते हैं, इसमें निजी और सार्वजनिक दोनों क्षेत्र की भागीदारी होती है ज्वाइंट सेक्टर। जैसे कि मेट्रो, मेट्रो सरकार की संपत्ति है लेकिन इसका संचालन प्राइवेट कंपनियों द्वारा की जाती है। इस प्रकार की कंपनी को, इस प्रकार के क्षेत्र को ज्वाइंट सेक्टर बोलते हैं। और एक होता है सहकारी क्षेत्र, कोऑपरेटिव। सहकारी क्षेत्र में क्या होता है, इसमें सरकार का और कंपनी का निदेशक, दिशा निदेशक कौन होती है, सरकार होती है। इसमें कंपनी का दिशा निदेशक सरकार होती है, सरकार होती है। इसे कोऑपरेटिव सेक्टर कहते हैं, जैसे कि कोऑपरेटिव बैंक को कहते हैं। ये सब क्या है, ये सब कोऑपरेटिव क्षेत्र का। तो दोस्तों हम लोगों ने अभी अर्थव्यवस्था को पढ़े, अर्थशास्त्र को पढ़े और अर्थशास्त्र के क्षेत्र को पढ़े। फिर आगे हम लोग इसी तरह चैनल के बने रहिए, हम आगे आपको बताते रहेंगे और पढ़ाई आपका होती रहेगी। इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, अपने दोस्तों